भले ही हम मंगल पर पहुंच गए हों, लेकिन हमारा सामाजिक तानाबाना आज भी धर्म जाति की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जिसकी बानगी मध्य प्रदेश के खरगोन में देखने को मिली है, जहां एक लड़की को सिर्फ इसलिए मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया क्योंकि वो दलित थी। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस घटना से जुड़े इस पूरे वीडियो को एक बार देखिए और हकीकत को समझिए। हम तो गांव का हिसाब से चले रहे हैं, हमारे और पहली बात बार बार शब्द दोहराओ मत, नहीं एक ही भी सजा होना चाहिए। बताओ इनका तरफ कहीं ना तुम सीधा जान गए पूजा कर नहीं चप्पल तुम यहाँ से पूजा कर ले, तुम मैं बताओ यहाँ से कैसे पूजा करो, बताओ यहाँ से कैसे पूजा कर। हरिजन का मंदिर में जाने दे रहे कहीं, हाँ तो तुम नहीं जाना जिता नहीं, तुम पुलिस आओगे सब नंबर अभी डायल कर जान दे डाल दो, वो तो कोई भी नहीं करेगा डाल दानी पुलिस को। तो सुना आपने कि कैसे एक युवती को मंदिर में प्रवेश भर के लिए संविधान की दुहाई देनी पड़ रही है और पंडित जी और मौके पर मौजूद महिलाएं लड़की से उलझ रही हैं। दरअसल ये पूरा मामला महाशिवरात्रि के दिन का बताया जा रहा है, जब दलित युवती पूजन करने के लिए मंदिर पहुंची थी तो मौके पर मौजूद पुजारी ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। पुजारी के साथ दो महिलाएं भी उस वक्त मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने युवती को अंदर नहीं जाने दिया, जिस पर युवती ने पूजा करने के लिए गुहार लगाई और संविधान की दुहाई थी। लेकिन जब रूढ़िवादी सोच किसी पर हावी होती है तो वहां संविधान की आखिर सुनेगा कौन। मामला यहीं नहीं रुक, युवती के विरोध करने के बाद भी और इस मामले में भी ठीक वैसा ही हुआ, युवती ने हर जतन कर लिया लेकिन युवती को पूजन नहीं करने दिया गया। ऐसे में जब मामला तूल पकड़ा तो बात एसपी ऑफिस तक जा पहुंची, जिसके बाद घटना को गंभीरता से लेते हुए मैनगांव पुलिस ने पुजारी के साथ ही दो महिलाओं पर भी केस दर्ज किया है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए द न्यूज़ 15 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।